हाय गाइस, मेरा नाम है अक्षन। वेलकम बैक टू वर्ड्स में रिव्यू। तो आज के वीडियो में मराठी सिनेमा से रिलेटेड कुछ करंट हैपनिंग्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा अल्लैट पलट नाम की मराठी फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के साथ। इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ का बिजनेस किया, वो भी क्रॉस। एंड बात अगर मैं इसके नेट कलेक्शन की करूँ, 3 करोड़ का बिजनेस किया इस फिल्म ने एज पर एक्सटर्नल वेबसाइट्स। अब यह कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मेकर ने जो बॉक्स ऑफिस फिगर्स रिवील किए वो सारे नकली है, मैनिपुलेटिव है, कहीं ना कहीं इन्होंने इन्फ्लेशन किया है। देखो, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि फिल्म का कंटेंट हो या फिर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, दोनों हिसाब से फिल्म एवरेज रही है। बट फिर भी मेकर्स ने इसका सीक्वल भी अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, सीक्वल आने वाला है और ये बात मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस की है। और इस फिल्म का सीक्वल 2025 में रिलीज होने वाला है। अब इस वीडियो का सेकंड टॉपिक है धर्मवीर 2 का टीजर और उसमें दिखाया हुआ ट्रेन सीन। अब टीजर में जो ट्रेन सीन दिखाया है वो देखने में तो बहुत अच्छा है, बट अगर आप गौर से देखोगे मेकर्स ने आज के जमाने वाली लोकल ट्रेन यूज की है टू शूट द फिल्म। ध्यान से देखना इस पर्टिकुलर सीन में आगे से जो ट्रेन आ रही है उसका आगे का पार्ट मेकर ने चेंज करना भूल गए या फिर उनसे हुआ ही नहीं। एंड जैसे ही टीजर में नेक्स्ट शॉट आता है, मेकर ने उस ट्रेन का कलर पहले वाले ट्रेनों की तरह कर दिया ताकि ऐसा फील हो कि ये 90s या फिर 80s वाली ट्रेन है। सो बेसिकली मुद्दे वाली बात ये कि मेकर्स ने इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए आज के जमाने वाली लोकल ट्रेन ही यूज की है। आगे धर्मवीर 2 के टीजर में प्रसादों का एक बैक शॉट है जहाँ पे उनके सामने जितने भी फ्रेम दिख रहे वो एक्चुअली रियल लाइफ आनंद जी की फोटोज है। आता मराठीत मला तर धर्मवीर 2 बद्दल काही लोकांचं असं सुद्धा मत आहे की हा एक प्रोपागेंडा सिनेमा आहे जो नेमका इलेक्शनच्या वेळीच येत आहे। तर काही लोक या चित्रपटाबद्दल असं सुद्धा म्हणत आहे की प्रवीण तटे तर फक्त नावासाठी रायटर आहे, या सिनेमाचे खरे रायटर म्हणजे एकनाथ शिंदे। आता या सिनेमाचे खरे रायटर एकनाथ शिंदे आहे की प्रवीण तटे हे तर देवालाच माहिती। आपण फक्त थिएटरमध्ये जायचं, पिक्चर आवडले ते एन्जॉय करायचं, नाही तर क्रिटिसाइज करायला सगळ्यांना इथे चान्स मिळतोच। रिसेंटली मराठी इंडस्ट्रीने असं काम केलं जे खरंच कौतुक करण्यासारखं आहे आणि ते म्हणजे काही टीव्ही सिरियल ने ज्याचं नाव आहे तू भेटशी नव्याने। या टीव्ही सिरियल मध्ये तुम्हाला सुबोध भावेचं AI व्हर्जन पाहायला मिळेल आणि खरंच इथं टेक्निकल टीमने जबरदस्त काम केलंय। म्हणजे AI टेक्नॉलॉजीचा वापर मराठी टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीने सुरू केला आहे, तर इतकीच प्रगती मराठी सिनेमाने केली असती टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत तर आज आपण कुठच्या कुठे पोहोचलो असतो। सो आगे बढते नेक्स्ट टॉपिक की तरह। ज्या लास्ट वीक 2 मराठी फिल्म रिलीज हुई थी तर्वा प्रोडक्शन की किल के ऑपोजिट, एक फिल्म का नाम है अमी जरा की, दूसरी फिल्म थी बेशय हाट। दोनों फिल्म के कॉन्टेंट एवरेज थे इसलिए दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। देखो ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अगर आने वाले दिनों में अगर कोई मराठी फिल्म ऑडियंस को थिएटर तक ला सकती है एंड दैट इज धर्मवीर 2। सो लास्ट वीक रिलीज हुआ था डंका हरिनामा नाम की मराठी फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर जिसका ड्यूरेशन अराउंड 2 मिनट 50 सेकंड है। और इस 2 मिनट 50 सेकंड के ट्रेलर को देख के ऐसा लगा कि मैंने पूरी पिक्चर तो यहीं पे देख ली। देखो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ये फिल्म अच्छी तो लग रही है, बट अगेन इसका एक्शन उतना भी ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है टू बी ऑनेस्ट। देखो एक मास एंटरटेनर फिल्म है जिसका सबसे अट्रैक्टिव एंड सेलिंग पॉइंट है डिवोशनल कॉन्टेंट जो विट्टू माउली से रिलेटेड है। गाँव में मंदिर तो है बट मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं क्योंकि वो चोरी हो चुकी है एंड इसलिए एक बंदा ये मंदिर तोड़ना चाहता है। एंड देन सामने आते फिल्म के लीड कैरेक्टर जो मंदिर बचाने की कोशिश करते और कहते हैं कि हम इस मंदिर की असली मूर्ति कहीं ना कहीं से ढूंढ के जरूर वापस लाएं। देखो ओवरऑल तो ये ट्रेलर देख के इतना कह सकते हो कि मेकर ने कमर्शियल सिनेमा बनाया जिसमें डिवोशनल कंटेंट का सिर्फ तड़का मारा है। आता मराठीत मला तर रितेश देशमुखच्या माऊलींनी लई भारी नंतर हा एक असा मराठी सिनेमा आहे ज्याचा कॉन्टेंट आपल्या विठ्ठू माऊलीसून कनेक्टेड आहे। या ट्रेलरची एडिटिंग आणि माझे विठ्ठल नावाचं मराठी गाणं इथे ऍड केलंय ज्यामुळे ट्रेलर अजून जास्त इम्प्रेसिव्ह वाटला मला। सो डंका हरिनामाचं नाम की मराठी फिल्म 19 जुलै को ऑल ओवर महाराष्ट्र रिलीज होने वाली, जो आप जरूर देखना और मैं भी देखने वाला हूँ। और बाकी आपको इस फिल्म का ट्रेलर कितना अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।